दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हो गया है 1 नवंबर 2019 से दिन शुक्रवार का। बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइन अपडेट्स की। कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, ध्यान से पूरे वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बैंक खाता धारकों के लिए बड़े अपडेट्स है और मोदी सरकार की बड़ी घोषणाएं हैं और बड़ा नियम है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद सिरक करके लगी खबरें हैं जो केवल केवल आपके काम की। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कर दे और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो अच्छा बात कर लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल का। आज का सवाल है, आपको बताना है कि पाकिस्तान की राजधानी कहां है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेके आ जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो अब सीधे आ जाते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि इमरान को हटाने पर अड़े हैं पाकिस्तानी, लाहौर के रास्ते आज इस्लामाबाद कुछ करेंगे हजारों प्रदर्शनकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने की मांग तेज होती जा रही है। पाकिस्तानी लोग खुद इमरान खान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर 27 अक्टूबर से ही पाकिस्तान के कई शहरों में आजादी मार्च निकालकर पीएम इमरान खान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। गुरुवार को हजारों प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुटेंगे और पीएम इमरान खान के इस्तीफे की मांग करेंगे। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे की पाकिस्तान को फटकार, बेनकाब किया नापाक चेहरा। जी हां आपको बता दें कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की ओर से एक और झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का कहना है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में वेना संधि का उल्लंघन किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के अध्यक्ष जल अब्दुल्ला कावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए अपने संबोधन में ये बड़ा बयान दिया है। आईसीजे के अध्यक्ष जज अब्दुल्ला कावी यूसुफ ने कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने वेना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी को लेकर सरगर्मियां तेज, शरद पवार से मिले संजय राउत और कई कांग्रेस नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना के बीच सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध के बीच अन्य विकल्पों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस क्रम में गुरुवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने रांगापा सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की है और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थरोट, वरिष्ठ नेता अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान ने भी शरद पवार से उनके आवास पर मुलाकात की है और पवार से राउत की मुलाकात ने राज्य में गैर भाजपा सरकार की अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि राउत ने चुनाव परिणाम की घोषणा वाले दिन 4 अक्टूबर को भी पवार से मुलाकात की थी। वहीं कांग्रेस नेताओं की पवार से मुलाकात के बारे में सूत्रों ने बताया कि उन्होंने वर्तमान राजनीति हालात के मद्देनजर अपने गठबंधन की रणनीति पर विचार विमर्श किया है और इसके बाद तीनों नेता पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली रवाना हो गए। तो दोस्तों रुख कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आ रही है जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने हैदराबाद के निजाम को टेकने पड़े थे घुटने। आपको बता दें कि भारत के भू राजनीतिक एकीकरण के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल 144वीं जयंती थी और आजादी के बाद बंटवारे के समय भारतीय रियासतों के विलय से स्वतंत्र भारत को नए रूप से गढ़ने वाले पटेल भारत के सरदार के रूप में जाने जाते हैं। वे अपने अदम्य साहस व प्रखर व्यक्तित्व के कारण ही भारत को एक धागे में पिरोने में कामयाब हो सके। आपको बता दें कि किसान परिवार में जन्मे पटेल ने लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की, लेकिन मन मस्तिष्क पर महात्मा गांधी के विचारों का ऐसा असर हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने को समर्पित कर दिया। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने और उसे एक सूत्र में पिरोने में उनके योगदान के लिए 2014 से हर साल उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में दुष्यंत की सक्रियता पर हरियाणा भाजपा के नेताओं की पैनी नजर, शाह के साथ भेंट से बढ़ा उत्साह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की दिल्ली में सक्रियता से हरियाणा भाजपा नेताओं में हलचल है। वे इससे सतर्क होने के साथ ही दुष्यंत की सक्रियता पर पैनी नजर रख रहे हैं और दुष्यंत बुधवार को दिल्ली में काफी सक्रिय रहे। उन्होंने यहाँ कई नेताओं से मुलाकात की, लेकिन भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी भेंट सबसे खास मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि अमित शाह से बातचीत से दुष्यंत खासे उत्साहित हैं। आपको बता
बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिष्टाचार मुलाकात की और इसके बाद वह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मिले। इसके बाद दुष्यंत राजनीतिक मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं से मुलाकात की है और शाम को केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से उनकी बेहद खास मुलाकात हुई। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है संवेदनशील मुद्दों पर सधे कदम बढ़ाएगी कांग्रेस। जी हां, यूपी के पदाधिकारी को प्रियंका ने दिया है संदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर नेताओं के वैचारिक भटकाव ने कांग्रेस की खूब किरकिरी कराई है। इससे सबक लेकर पार्टी ने तय किया है कि अब किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर पहले ही होमवर्क कर पार्टी लाइन तैयार कर ली जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि फिलहाल अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इसका स्पष्ट संदेश दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि लंबे समय से बिखरी नजर आ रही कांग्रेस अब प्रदेश में खुद को व्यवस्थित और अनुशासित बनाने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया में सबसे बड़ा होगा जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या में भी बनाएंगे हवाई अड्डा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया में सबसे बड़ा होगा। किसानों द्वारा परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रमाण पत्र सौंपे जाने से उत्साहित योगी ने कहा कि सहमति और संवाद के साथ हुआ ये भूमि अधिग्रहण भी देश भर के लिए उदाहरण है। जेवर एयरपोर्ट के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पहुंचकर सरकार को भूमि हस्तांतरित करने के संकेतित प्रमाण पत्र सौंपे हैं। सरकार ने दावा किया है कि 80% भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से प्रदेश की प्रगति और युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे और साथ ही अब तक अछूते रहे जेवर और उसके आसपास के क्षेत्र का विकास भी होगा। तो दोस्तों अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की और अगली बड़ी खबर आ रही है कि गूंजने लगे हैं छठ के गीत, नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व शुरू। आपको बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ नहाए खाए के साथ गुरुवार 31 अक्टूबर से आरंभ हो गया है। महापर्व को लेकर शहर में चहल पहल दिखने लगी है और विभिन्न रीति रिवाज से जुड़े लोगों के साथ आम लोग भी छठ पर्व का अनुष्ठान कर रहे हैं। छठ पर्व पर बाहर से अपने घर लौटने वाले लोगों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं गली मोहल्ले में छठ के पारंपरिक गीत गूंज रहे हैं जिससे पूरा माहौल छठमय नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से मरीज परेशान। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में वीरवार से सरकारी एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल कर दी है और सुबह से एम्बुलेंस का संचालन बंद है। इस कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने ग्रेडेड एम्बुलेंस सेवा के लिए किए गए नए टेंडर के विरोध में प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। इधर एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल की वजह से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी हो रही है और इस मौके पर नियम के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि नए टेंडर में कर्मचारियों को लेकर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, जबकि इससे पहले जारी टेंडरों में कर्मचारियों का सेवा शर्तों का उल्लेख भी होता था। उनके मुताबिक ऐसे में कर्मचारियों में नौकरी को लेकर भय का माहौल है। इसके अलावा कर्मचारियों की कुछ और मांगे भी हैं जिन्हें लेकर यह हड़ताल की गई है। उन्होंने बताया कि हड़ताल के चलते प्रदेश भर में 1400 से अधिक एम्बुलेंस का संचालन सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि भारत में 48 करोड़ से अधिक आबादी को जहरीली हवा का खतरा, लगातार घट रही है उम्र। जी हां, आपको बता दें कि वायु प्रदूषण यानी जहरीली हवा अब लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है और एक अध्ययन ने बताया है कि उत्तर भारत में जहरीली हवा के कारण गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वाले भारतीयों की आयु 7 साल तक कम हो गई है। 1998 और 2016 के बीच हुए शोध में बताया गया है कि उत्तर भारत में प्रदूषण की बाकी भारत के मुकाबले 3 गुना अधिक जानलेवा है। इस अध्ययन में सबसे अधिक प्रदूषित दिल्ली को बताया गया है और राष्ट्रीय राजधानी में 2016 के दौरान PM2.5 का स्तर 114 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा है। तो दोस्तों अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आ रही है, ट्रेन में गैस सिलेंडर पर नाश्ता बना रहा था यात्री, विस्फोट में 74 की मौत। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान के कराची रावलपिंडी तेजगांव
गुड़गांव एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसमें मारे गए लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 74 लोग इस आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और समाचार एजेंसी ANI ने जियो टीवी के हवाले ये जानकारी दी है। इस हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और यह हादसा लियाकतपुर में हुआ है और यह जगह रहीम यार खान शहर के नजदीक है। ट्रेन इस दौरान कराची से रावलपिंडी की ओर जा रही थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। मृतकों और घायलों को लियाकतपुर DHQ अस्पताल में भर्ती कराया गया और जियो न्यूज ने अस्पताल के सूत्रों के हवाले में बताया कि शवों में से 10 की पहचान हो गई है जबकि 17 अज्ञात हैं। तो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए हो रही थी जासूसी, सरकार ने कंपनी से मांगा जवाब, इजरायली स्पाईवेयर से जुड़े हैं तार। जी हां, आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर भारतीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी से जुड़े मामले में सरकार ने व्हाट्सएप से जवाब मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से 4 नवंबर तक विस्तृत जवाब देने को कहा है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की तरफ से यह पुष्टि किए जाने के बाद जवाब मांगा है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस भारत में भी सक्रिय था और लोगों की जासूसी कर रहा था। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को ही फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने स्वीकार किया था कि दुनिया भर के 1400 लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का शिकार हो रहे थे। इनमें कुछ भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है खेल की दुनिया से, आपको बता दें कि सौरव गांगुली ने कहा है कि अंतिम क्षण में रद्द नहीं किया जा सकता है दिल्ली T20 मैच। तो दोस्तों आपको बता दें कि BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि राजधानी में वायु की गुणवत्ता खराब होने के बावजूद बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआती T20 मैच को रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में दिवाली के बाद मैचों के आयोजन के लिए उत्तर भारत के स्थलों पर विचार नहीं किया जाएगा। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने के साथ ही दिवाली पर पटाखे जलाने से हर साल NCR में हवा की गुणवत्ता का स्तर खराब होता है। गांगुली ने ईडन गार्डन्स में कहा कि अब बहुत देर हो गई है क्योंकि मैच की तैयारियों के लिए काफी चीजें की जाती है जैसे टिकट बिक्री और दर्शक सब कुछ, इसलिए अंतिम समय में मैच रद्द करना संभव नहीं है। गांगुली ने कहा कि भविष्य में वे ज्यादा व्यवहारिक रहेंगे, हम चर्चा करेंगे भविष्य में जब हम कार्यक्रम बनाएंगे, विशेषकर सर्दियों के दौरान उत्तरी हिस्से में, तो हमें और ज्यादा व्यवहारिक होना होगा। हमने पिछले 2 दिन में दिल्ली में अधिकारियों से बात की, वे मैच के होने की उम्मीद कर रहे हैं, मैच पहले ही तय कर दिया गया था, इसलिए हमें अंतिम समय में रद्द नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने 23 अक्टूबर को ही पद संभाला था। मैं जानता हूं कि दिल्ली के बाद उत्तर भारत में थोड़ी मुश्किल होती है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक रहे। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।